हेलो एवरीबॉडी। तो आपके दिमाग में जो इतने दिन से चल रहा था कि क्या सितंबर में एग्जाम्स होंगे कि नहीं होंगे, और अगर सितंबर में एग्जाम्स होंगे तो कौन एलिजिबल रहेगा, उस पर पूरी क्लैरिफिकेशन इंस्टीट्यूट ने दे दी है। नोटिफिकेशन मेरे सामने खुला हुआ है, चलिए इसे रीड करते हैं साथ में। तो बेसिकली अब इंस्टीट्यूट ने नोटिफाई कर दिया है कि जो आपके इंटर के एग्जाम्स होंगे, फाउंडेशन के एग्जाम्स होंगे, वो साल में 3 बार होने वाले हैं। दैट इज मई जून पहला, दूसरा सितंबर में होगा और तीसरा आपका एग्जाम्स जनवरी में होगा। तो साल में 3 बार फाउंडेशन एंड इंटर के एग्जाम्स होंगे और फाइनल के एग्जाम साल में 2 ही बार होने वाले हैं। चलिए जी, उसके बाद आप लोगों को पता है फाउंडेशन एग्जाम्स को देने के लिए कम से कम आप इंस्टीट्यूट, जिस महीने आपके फाउंडेशन के एग्जाम्स हो उस महीने तक कम से कम आप इंस्टीट्यूट के पास रजिस्टर्ड होने पड़े फॉर द पीरियड ऑफ 4 मंथ्स, ये तो सबको पता है। और उसके बाद अगर आप इंटर एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होने के लिए भी फाउंडेशन एग्जाम्स क्लियर करने के बाद कम से कम 8 मंथ्स का स्टडी टाइम जब आप पूरा करते हो तो आप इंटर एग्जाम्स के लिए बैठ सकते हो, ये भी आप सभी को पता है। अब ये कहता है कि कौन से बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें फाउंडेशन के बच्चे, अगर फाउंडेशन के बच्चे सितंबर 2024 में अपना एग्जाम्स देना चाहते हैं तो आपको रजिस्टर कर लेना है इंस्टीट्यूट के पास 1 मई 2024 तक। अगर कोई ऐसा बच्चा है फाउंडेशन का जो सितंबर में एग्जाम देना चाहता है तो आपको रजिस्टर कर लेना है फॉर योर फाउंडेशन एग्जाम्स टिल 1 मई 2024, राइट। एंड जो इंटर के आपके बच्चे हैं, इंटर के बच्चे जिन्होंने अभी एग्जाम्स को क्लियर किया है, जिन्होंने जनवरी फरवरी में हो सकता है इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर किया हो, तो बेटा आप अगर 1 मई 2024 तक अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं तो आपका एग्जाम होगा जनवरी 2025 में। तो जो बच्चों ने अभी अभी फाउंडेशन क्लियर किया और इंटर के लिए रजिस्टर किया फरवरी या मार्च के महीने में, हो सकता है आपने इंटर के लिए रजिस्टर किया हो, तो अगर आपने इंटर के लिए रजिस्टर अगर आप कर लेते हैं 1 मई 2024, हो सकता है आपने कर लिया हो या आप करने वाले हो, तो अगर आप 1 मई 2024 तक कर लेते हैं तो आपके एग्जाम्स होंगे जनवरी 2025 में, राइट। तो जो एग्जाम्स आपके नवंबर में होने वाले थे वो अब कब होंगे, जनवरी 2025 में होंगे। एंड सेकंड थिंग, कौन से इंटर के बच्चे सितंबर में एग्जाम दे पाएंगे, तो अगर आपने इंस्टीट्यूट के पास रजिस्टर कर लिया 1 जनवरी 2024 तक, आपने 1 जनवरी तक अगर अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया था इंटरमीडिएट के लिए तो आप एलिजिबल होंगे सितंबर में एग्जाम्स देने के लिए। तो अब आपको क्लैरिटी मिल गई कि कौन से बच्चे सितंबर में एग्जाम देने वाले हैं। पहले बहुत सारे बच्चों को लग रहा था कि अभी जब सीए फाउंडेशन उनका क्लियर हुआ है सीए इंटरमीडिएट के लिए, वो लोग क्या सितंबर में अपियर कर पाएंगे क्या, तो ऐसा नहीं है। आपको ये पता है कम से कम पहले तो 8 मंथ्स का आपका स्टडी पीरियड जो है कवर होना पड़ा, और अगर आपने इंटर के लिए रजिस्टर कर लिया था 1 जनवरी 2024 तक तो आप एलिजिबल होंगे सितंबर के एग्जाम्स के लिए। और अगर आप अपने एग्जाम्स को जनवरी 2025 में देना चाहते हैं तो आपको 1 मई तक अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। तो हो सकता है अभी जो आपने फाउंडेशन के बच्चे जो क्लियर हुए थे अभी, जिन्होंने मार्च में या फरवरी में या अप्रैल में अपने आप को इंटर के लिए रजिस्टर किया, अब आपके एग्जाम्स होंगे जनवरी 2025 में। यस, यू हर्ड दैट राइट। तो आई होप आप इस बात को समझते हो, आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल गई है कौन से बच्चे कब अब बैठ सकते हैं एग्जाम्स देने के लिए। अगर आपको एनी विच वेज कोई भी डाउट है इस अनाउंसमेंट में, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एड्रेस योर डाउट्स। ऑलराइट एवरीबॉडी, तो खुशखबरी की बात है एंड आई होप कि आप लोगों को इस पे पूरी क्लैरिटी मिल गई है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। ऑलराइट, सी यू, बाय बाय।